इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर की सावर असेंबली सीट का इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। ये सीट यहाँ के रुकन असेंबली अब्दुल्ला आजम का इंतखाब हाई कोर्ट के जरिए मनसूख किए जाने की वजह से खाली हो गई। जज शशिकांत गुप्ता और जज पंकज भाटिया पर मुश्तमिल बेंच ने म्यूनसिपल कौंसिल सावर के साबिक सदर शरीफ अहमद की तरफ से दाखिल अर्जी पर यह हुक्म दिया। अर्जी गुजार के वकील विक्रांत पांडे के मुताबिक सावर असेंबली सीट का इलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को मनसूख कर दिया था, क्योंकि वहां के मुंतखब रुकन असेंबली अब्दुल्ला खान ने पैदाइश के गलत सर्टिफिकेट की बुनियाद पर लड़ा था। इस वक्त उत्तर प्रदेश की 7 खाली सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। सावर असेंबली सीट पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। वकील का कहना है कि अवामी नुमाइंदगी कानून के तहत असेंबली के सीट 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रखी जा सकती, इसलिए सावर की सीट पर भी इलेक्शन कराया जाए।